जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारतीय अंडर 19 और इंग्लैंड अंडर 19 टीम के बीच में आईसीसी विश्व कप का फाइनल मुकाबला जो खेला जाने वाला है, वो आप सभी आखिरकार कब, कहाँ और कैसे लाइव देख सकोगे, और साथ में क्या आप सभी को भारतीय प्लेइंग 11 टीम मैदान पर नजर आएगी। तो पूरी डिटेल जानकारी इस मुकाबले से जुड़ी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान यश ढुल ने लगाया स्टेडियम के बाहर छक्का, बीच मैदान पर ही खिलाड़ियों ने फिर दिया ऐसा रिएक्शन कि देखने के बाद वीडियो पूरा भारत देश उठा हैरान। तो दोस्तों, इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, अचानक से इस क्रिकेटर ने लिया टीम से संन्यास लेने का फैसला, रातों रात ऐसा बड़ा फैसला सुनाकर पूरे देश को चौंकाया। तो दोस्तों, आखिरकार कौन है ये खिलाड़ी, इस खिलाड़ी का नाम भी आपको बताएंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय अंडर 19 टीम इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ फाइनल मैच जीते, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम को हराने के बाद भारतीय अंडर 19 टीम ने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 के फाइनल मुकाबले में जगह बनाई, जहां पर अब भारतीय टीम और इंग्लैंड टीम के बीच में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। और ऐसे में दोस्तों, पहले इंग्लैंड की टीम ने अफगानिस्तान की टीम को मात देने के बाद फाइनल में वो ऐसी पहली टीम बनी जिसने जगह बनाई थी। तो वहीं फिर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में जीत हासिल कर ये इतिहास रचा। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये भारतीय टीम के लिए पहली बार नहीं है, इससे पहले भी भारतीय टीम लगभग 8 बार फाइनल के मुकाबलों में जगह बना चुकी है। और ऐसे में भारतीय अंडर 19 विश्व कप 2022 में भारतीय टीम अपनी निगाह जमा कर रखी हुई है, जहां पर उनका पहले से ही लक्ष्य यही है कि वो किसी भी हाल में इस साल का वर्ल्ड कप का मुकाबला जीत कर ही भारत वापस लौटे। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी बेहद ही शानदार रही थी। और वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम की अगर बात की जाए, तो इंग्लैंड की टीम को भी कम नहीं आंका जा सकता, जहां पर इंग्लैंड की टीम ने हर एक मुकाबले में अपोजिशन टीम को काफी कड़ी चुनौती दी है। और टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज शुरुआत से ही काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते चले आए हैं, और जिसके चलते इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम के कंपेरिजन में काफी ज्यादा मजबूत मानी जाती है। हालांकि दोस्तों, बात करें अगर भारत की, तो भारत की भी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में काफी ज्यादा दमखम है, और भारतीय टीम के खिलाड़ी भी किसी भी स्थिति में मुकाबले को पलटना और उसको जीतना जानते हैं। और ऐसे में दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान यश ढुल ने जिस तरह से भारतीय कप्तानी संभाल लिया और भारतीय टीम को आगे वो लेकर गए हैं, वो काबिले तारीफ है। तो भी हम आपको बता दें कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम ने अभी तक एक भी मुकाबला हारा नहीं है, जहां पर पहले मैच से लेकर फाइनल मुकाबले तक भारतीय टीम ने हर एक मुकाबलों में जीत हासिल करी है। और वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय अंडर 19 टीम काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, और उनका मनोबल भी काफी ज्यादा हद तक बढ़ा हुआ है, और इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले में भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम को काफी कड़ी चुनौती देती हुई नजर आएगी। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दोनों ही टीमों के बीच में फाइनल मुकाबला 5 फरवरी 2022 को शनिवार वाले दिन खेला जाएगा, जहां पर इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप सभी शाम को अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव देख सकोगे। तो वहीं दोस्तों, अगर आपको ये मुकाबला टेलीविजन पर देखना है, तो टेलीविजन पर आप सभी ये मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर देख सकोगे। तो वहीं अगर आप सभी को लाइव स्ट्रीमिंग इस मुकाबले की देखनी है, तो लाइव स्ट्रीमिंग इस मुकाबले की हॉटस्टार प्लस डिज्नी ऐप पर करवाई जाएगी, जिसके चलते आप सभी इस रोमांचक मुकाबले का लुफ्त उठा सकोगे। तो वहीं दोस्तों, भारतीय टीम में आप सभी को काफी ज्यादा बड़े बड़े बदलाव होते हुए तो दिखाई नहीं देने वाले, लेकिन यहाँ पर अंगकृष रघुवंशी जो कि सेमीफाइनल मुकाबले में चोटिल हो गए, तो उनकी जगह पर एक रिप्लेसमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आपकी क्या राय, आप क्या मानते हो कि अंडर 19 विश्व कप इस बार भारतीय टीम जीत पाएगी या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, स्टेडियम के बाहर गिरा यश ढुल का छक्का, कंगारुओं के खिलाफ खुलकर दिखाई आसमानी बल्लेबाजी। जी हां दोस्तों, भारतीय अंडर 19 टीम वेस्ट इंडीज में चल रहे वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंच गई है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में यश ढुल की टीम ने 96 रनों से मैच जीत कर करोड़ों भारतीय फैंस को खुश होने का एक कारण दे दिया। तो वहीं अब भारतीय फैंस की निगाहें फाइनल मुकाबले पर है, जहां इंग्लिश टीम भारत से दो दो हाथ करती हुई दिखाई देगी। तो वहीं दोस्तों, अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले की बात की जाए, तो जीत की नींव कप्तान यश ढुल ने रखी, जहां पर ढुल ने 110 रन बनाकर टीम को 290 रन के स्कोर तक पहुंचाने
बनाने में अहम किरदार निभाया। तो इस दौरान वो ताबड़तोड़ चौके और छक्के भी बरसाते हुए नजर आए और एक छक्का तो उन्होंने ऐसा मारा जो कि स्टेडियम से ही बाहर चला गया। बाकी अब आपकी क्या राय इसके बारे में, आप अपनी गिनती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक तरफ जहां भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज की शुरुआत करने ही वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय अंडर 19 विश्व कप के मुकाबले भी खेले जा रहे हैं और अब ऐसे में भारतीय महिला टीम भी जमकर न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीजों में भाग ले रही है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय महिला टीम ने काफी लंबे समय से कोई भी मुकाबला नहीं खेला था और ऐसे में आज ये T20 मुकाबला भारतीय महिला टीम और न्यूजीलैंड के जॉन डेवियस ओवल मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी इतनी ज्यादा दमदार रही कि भारतीय महिला टीम ने कमाल का ही प्रदर्शन कर दिखा दिया। दरअसल दोस्तों हम आपको बताएं कि इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले न्यूजीलैंड टीम की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सोफी डिवाइन जहां पर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आज अपनी टीम को काफी अच्छी शुरुआत दिलाई। दरअसल दोस्तों यहां पर रचेल पिस्ट ने आज के इस मुकाबले में 38 गेंदों में 58 रन बनाए, जैसा कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं सोफी डिवाइन ने 42 गेंदों में 85 रनों की पारी खेली और वहीं दोस्तों रचेल ने इस दौरान ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके और 4 बड़े छक्के लगाए। तो वहीं सोफी डिवाइन ने भी ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर हर किसी को बहुत छक्का कर रख दिया। तो वहीं दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को पहला बड़ा झटका रचेल पिस्ट के रूप में लगा, जिनका विकेट शिखा पांडे ने राधा यादव के हाथों कैच आउट करवा कर लिया। तो वहीं दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों के आउट होने के बाद मैदान पर उतरी सुदीप बेट्स और मैडी ग्रीन से, जहां पर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भी आज न्यूजीलैंड टीम की पारी को आगे बढ़ाया, जहां पर बेट्स ने आज के इस मुकाबले में 13 गेंदों में 6 रन बनाए तो वहीं मैडी ग्रीन ने 10 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली, भारतीय महिला टीम के सामने 187 रन बना पाने में कामयाब हो सकी। तो वहीं दोस्तों फिर 188 रनों के लक्ष्य के जवाब में जब भारतीय महिला टीम मैदान पर उतरी तो भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आज मैदान पर आई शेफाली वर्मा और स्मृति मांदना। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है 10 रनों की पारी खेली, वहीं रशीद ने 108 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्के की बदौलत 94 रन बनाए। आखिरी ओवर में दिनेश वाना के 4 गेंदों में 20 रनों की बदौलत भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 290 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम बस मात्र 194 रन इस दौरान बना सकी, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को काफी करारी हार भारतीय टीम ने दी और इस मुकाबले को भारतीय टीम ने कुल मिलाकर 96 रनों से अपने नाम किया। और ऐसे में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के बाद अब भारतीय टीम का मनोबल बेहद ही बढ़ा हुआ है जहां पर लौटे। तो ऐसे में दोस्तों अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ये इतिहास रच पाने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं, या फिर भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ सकता है? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।